प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ द मैन कंपनी की नाइट ओदे परफ्यूम का ऑनेस्ट रिव्यू। इस 50 ml की परफ्यूम की MRP 749 रुपये है और ये ऑनलाइन आपको 300 से 400 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। मैंने इसको क्रेट से 179 रुपीज़ में खरीदी। रिव्यू में हमेशा की तरह एक नज़र डालेंगे आउटर पैकेजिंग और बॉटल डिज़ाइन पर और डिटेल में बात करेंगे नोट प्रोफाइल, प्रोजेक्शन, परफॉर्मेंस, यूजेज, किस एज ग्रुप के लिए सूटेड है, किस सीजन में ये आपको बेस्ट रिजल्ट देगी और फाइनली क्या ये आपको खरीदनी भी चाहिए या नहीं और खरीदें तो किस दाम पर। दोस्तों, अगर आपने इस परफ्यूम के बारे में सुना है लेकिन कभी इसको ट्राई नहीं किया तो ये रिव्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको एंड तक जरूर देखिए। रिव्यू का कंटेंट पसंद है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर इस परफ्यूम यात्रा का हिस्सा बने और अपने सवाल कमेंट करें या DM करें चैनल के इंस्टाग्राम पेज पर। आउट ऑफ पैकेजिंग की बात करें तो टिपिकल मैन कंपनी की पैकेजिंग जैसी है। सामने आपको मैन कंपनी का लोगो, नाम, परफ्यूम का नाम नाइट, पोर अम यानी कि फॉर मेन, परफ्यूम कंसंट्रेशन इसका ओदे परफ्यूम और क्वांटिटी 50 ml प्रिंटेड मिलता है। एक साइड पर देखें तो इसकी सोशल मीडिया से कनेक्ट करने के लिए एक हैशटैग है और दूसरी साइड पर टैगलाइन के साथ नोट प्रोफाइल का ओवरव्यू, जिसको हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। बैक साइड पर बाकी सारी जेनेरिक इन्फॉर्मेशन के साथ आपको मिल जाती है इसकी MRP, एक बैच नंबर और 3 साल की शेल्फ लाइफ इन्फॉर्मेशन। परफ्यूम बॉटल की बात करें तो 50 ml की ट्रैवल फ्रेंडली ग्लास बॉटल मिलती है, ब्लैक मैट फिनिश के साथ गोल्डन प्रिंट पर। वही सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो इसके बॉक्स पर मिलती है। कैप इसकी प्लास्टिक की गोल्डन कलर की है जिस पर मैन कंपनी का लोगो जो है वो एम्बॉस्ड है और ग्रिप इसकी अच्छी है। ये देखिए, ग्रिप इसकी अच्छी है। एटमाइजर की बात करें डिसेंट है। देखिए, जैसे मैन कंपनी के बाकी एटमाइजर होते हैं बिल्कुल वैसा ही है और डिसेंट क्वांटिटी में परफ्यूम जूस रिलीज करता है, लीक नहीं करता और 50 ml में आपको 400+ स्प्रेज आराम से मिल जाते हैं। आइए दोस्तों, अब इसकी नोट प्रोफाइल समझें। भाई वाह, टॉप नोट में ग्रेप फ्रूट, मिड नोट्स में व्हाइट फ्लावर्स और बेस नोट में एम्बर के नोट्स का ब्लेंड इसमें मिलता है। परफ्यूम के इनिशियल स्प्रे पर आपको स्वीट सिट्रसी फ्रेग्रेंस आती है। दोस्तों, ये एकदम आपको बचपन में ले जाएगी। ऑरेंज की जो आइसक्रीम आती थी, वो जो बर्फ का गोला या ऑरेंज की जो आइसक्रीम आती थी या जो टॉफी आती थी, खुशबू इनिशियली बिल्कुल वैसी लगती है। प्यारे से गवर्नमेंट नोट्स फील होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ इसका टॉप नोट है। जो धीरे धीरे जब इसमें मिड नोट्स मिलते हैं तो उसमें जो व्हाइट फ्लोरल फ्लावर्स के जो नोट्स हैं जैसे चमेली, लिली ऑफ द वैली, लैंग लैंग, इन सब सफेद फूलों के नोट्स प्रोमिनेंट होने लगते हैं और अब इस फ्रेग्रेंस में एक चेंज आता है। ये चेंज आपको फील होता है। ये फ्रेग्रेंस अब सिर्फ गॉर्मेंडिस नहीं लगती, प्रीमियम, एक्जॉटिक, थोड़ी सी यूनिसेक्स बन जाती है। देखिए, इसको बोला गया है पोर अम, लेकिन मैंने इतनी सारी यूनिसेक्स फ्रेग्रेंसेस ट्राई करी हैं जो बिल्कुल ऐसी ही फ्रेग्रेंस की होती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ पोर अम नहीं है, ये यूनिसेक्स है, इसको सब यूज कर सकते हैं। फाइनली इसके बेस नोट पर एम्बर का वार्म वुडी नोट इसको ठहराव देता है। बात करें इसकी स्टैट्स की तो प्रोजेक्शन इसकी माइल्ड टू स्ट्रॉन्ग है, 30 से 45 मिनट और 4 से 5 फीट तक। परफॉर्मेंस देखिए, मैन कंपनी की जनरली अगर आप परफ्यूम्स देखेंगे तो समर्स में 3 से 4 घंटे की होगी और अगर आप ज़्यादा गर्म नहीं, थोड़े हल्के ठंडे वेदर की बात करेंगे तो 4 से 5 घंटे प्लस की मिलती है, तो इसमें भी वही हाल है। यूजेज की बात करें तो आप इसे हर ओकेजन में यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक अच्छी डेट नाइट फ्रेग्रेंस बनेगी। एज ग्रुप की बात करें तो ये सबको पसंद आने वाली है और सीजन की बात करें, साल भर इस्तेमाल करें, एवरीडे परफ्यूम बनाएं इसे। इन ऑल बात करें तो दोस्तों, ये परफ्यूम वर्थ इट है और अपनी MRP को भी जस्टिफाई करती है। मैं ये नहीं कहता कि इसको इसकी MRP पे खरीदें, 749 ज्यादा होता है, डील में आपको ये सस्ते में मिल जाती है। इस परफ्यूम में आपको नोट्स की चेंजिंग एरोमा फील होती है, प्लस ये जो परफ्यूम है मैन कंपनी की बाकी परफ्यूम्स की तरह सिंथेटिक फील नहीं होती। ये परफ्यूम फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट में प्रीमियम है और परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में ठीक ठाक है। देखिए, मैं आसान शब्दों में कहूं तो अगर आप फ्रेग्रेंस के दीवाने और परफॉर्मेंस के लिए इसको अपने साथ रख के लेकर जाने को तैयार हैं तो ये आपके लिए है, नहीं तो नहीं। 50 ml की ऑलरेडी ये ट्रैवल फ्रेंडली बॉटल है, इसको आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं इस डब्बे में या अलग से, और ये आप जब भी आपको लगे कि परफॉर्मेंस कम हो रही है तो टॉप अप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को इन तक देखने के लिए। आशा करता हूं कि आपको ये ऑनेस्ट कंटेंट और डिटेल रिव्यू पसंद आया होगा। फ्रेग्रेंस से जुड़े अपने सवाल मुझे कमेंट करें या इंस्टाग्राम पर DM करें। जल्दी मिलते हैं एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और महकते रहें अच्छी खुशबू अच्छे विचारों से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।